जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ऑनलाइन ई क्विज में पार्टिसिपेट करके आप हाथों हाथ न्यू जनरेटेड ई सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समय न ज़्यादा लगाते हुए रिगार्डिंग प्रोसेस को कंफर्म कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने रिगार्डिंग यूआरएल लिंक को फ़ोन के ब्राउजर में ओपन किया तो इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका हेडिंग भी कंफर्म हो रहा है कोविड-19 क्यूज टू टेस्ट योर नॉलेज और पैंडेमिक त्रिबिया। ओके, फर्स्ट वन अभी फिल ईमेल एड्रेस लाइक दैट, मैं अपना फिल करती हूँ। नेक्स्ट दैट फर्स्ट वन इज व्हाट्स योर नेम, सेकेंड वन इज कॉलेज नेम, नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेंट कैटेगरी, ओके लाइक प्रोफेसर एसोसिएट असिस्टेंट लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट वन डिपार्टमेंट, कि अपना आपको डिपार्टमेंट लिखना है कि किस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन पर्स द जेंडर, मेल और फीमेल। नेक्स्ट वन व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, क्या आपकी योग्यता है उसको यहाँ पे मेंशन करना, 10th to 12th UG PG एंड अदर्स। स्टेट, विच स्टेट डू यू बिलोंग। ओके, नेक्स्ट वन मोबाइल नंबर, व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, प्लीज फिल हेयर। ओके फ्रेंड, जैसे ही हमने नेक्स्ट प्रोसीड किया, उसको प्रेस किया, तो ये थर्ड इंटरफेस हमारे सामने आ गया और यहीं से आपका ई क्विज जो है वो स्टार्ट होता है। और जैसा कि आप हेडिंग से कंफर्म कर सकते हैं, ए कोविड-19 क्विज स्टार्ट। इसमें आप क्वेश्चन देख लीजिए, हर क्वेश्चन के लिए 10 points है, दैट्स मीन कि 10 marks फॉर इच क्वेश्चन। प्लीज़ सी केयरफुली एंड अटेम्प्ट केयरफुली ऑल्सो। ओके, अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से इसके आंसर्स कीजिए। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस के पर्टिकुलर आंसर्स देने के बाद लास्ट में आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, सेंड मी ए कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्सेस। और अगर आप इसको राइट हैंड साइड में पुश करेंगे तो आपके पास इसका ईमेल आ जाएगा कि आपने कौन सा रिस्पॉन्स पर्टिकुलर कैसे दिया है। ओके, और विद इन 2 minutes में आपको आपका ई सर्टिफिकेट जो है जनरेट होके रिसीव भी हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गई, कि रिगार्डिंग लिंक जो है, यूआरएल जो है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप जाके सक्सेसफुली अपना रजिस्ट्रेशन डन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक मैं इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई, कि पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद आपको सबमिट बटन पे ज़रूर क्लिक करना है। ओके, तो चलिए, उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही न्यू नोटिफिकेशंस के लिए भी, मेरी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक नई न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, ओके, बाय, टेक केयर टू ऑल।